नहीं बेटा बिस्मिल्लाह करते हैं बी टू सेक्शन बैठा हुआ बेटा मुख्तलिफ किस्म के बच्चे बैठे हुए जरा पहले थोड़ा सा इनको पहचान लूं आप सब टी एस सी के स्टूडेंट हैं कोई बाहर का आप है बेटा हाँ जी कैंप से आप तो लड़ी एफ ए पढ़ नहीं यहाँ पे और सी वन सेक्शन से में हाँ बस ठीक इसमें पूछना पहचान सी वन में पढ़ रहे हो ठीक है ठीक है एफ ए वन इस सेक्शन में पढ़ रहे मज़ी करना आप में से कितने बच्चे ए, ए वन के हैं आप ए वन के हो और कौन है ए टू वाले कितने ए टू वाले कोई और सेक्शन के डबल ए सेवन ठीक है थोड़ा पुराना मामला हो गया और और कौन है यानी प्रीवियस पीआरसी याद नहीं अब याद भी नहीं है डबल ए सिक्स ठीक है आप डबल ए एट ठीक है सर ए वन वाले बैठे में ऑनलाइन ठीक है सर बेटा ऐसे ही से पूछा ये ज़रा कौन से बच्चे हैं क्योंकि देखो मेरे पास तो हर थोड़ी देर बाद बच्चे बदल जाते हैं सामने बैठे हुए तो मुझे ज़रा इतना तो याद नहीं रहता हाँ जब वो इतने अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है जो जैसे मैंने इसको पहचान लिया तो भाई ये सी वन में बैठी हुई होती है ठीक है तो जब थोड़ा तो अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है तो फिर पहचान पहचान में सब आ जाते हैं इससे पहले हमने एक छोटी सी क्लास एक घंटे की बी टू की थी उसमें कौन कौन बच्चे थे पाँच से पाँच छः दिन पहले आप लोग थे ठीक है सर बाकी सब आज ही हमने बेटा एक छोटी सी क्लास डिस्कस की थी आपके साथ बी टू वालों की जिसमें हमने सिलेबस को खाली डिस्कस किया था कि सिलेबस में कौन कौन से चैप्टर है ठीक है वो बातें मैं अभी थोड़ी देर में जो नए बच्चे आए हैं आज पहली बार आए हुए हैं उनको भी थोड़ी देर में सिलेबस की कॉपी देता हूँ क्योंकि वो आखिरी में डिस्कस करते हैं ठीक है ताकि दोनों का मामला इक्वल हो जाए मैंने आपको बताया था आपका जो पेपर है वो दो सेक्शन में आता है सेक्शन ए और बी सेक्शन ए शॉर्ट क्वेश्चन पर होता है सेक्शन बी लॉन्ग क्वेश्चन पर होता है सेक्शन ए में कोई सवाल टेन मार्क्स से ऊपर का नहीं होगा सेक्शन बी में कोई सवाल टेन मार्क्स से छोटा नहीं होगा और ट्वेंटी मार्क्स से ऊपर का नहीं होगा ये हमारे नॉर्मली पेपर का कॉम्बिनेशन बनता है सेक्शन वन के अंदर एक सवाल एम सी क्यू का लाजमी होगा ठीक है और एम सी क्यू के लिए अलग से कोई प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है जो कुछ भी हम न्यूमेरिकल्स करते हैं उसी के बेस पे वो एम सी क्यू सॉल्व हो जाते हैं या जो कुछ भी हम लेक्चर्स में थ्योरी डिस्कस करते हैं उसकी बेस पे वो एमसीक्यू हमारे सॉल्व हो जाते हैं हमारे सिलेबस में सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम था आई ए प्रॉपर्टी प्लान एंड जिसको आप लोग पी में डेप्रीसी के नाम से पढ़ कर आए हो ये हमारे इस पूरे सिलेबस की एक बुनियाद है अगर इस सिलेबस में से आई ए सिक्सटीन को हटा दिया जाए तो पूरा सिलेबस एक झटके में नीचे गिर जाएगा इसलिए आप किसी भी कॉलेज में पढ़ने जाओ अमूमन सबसे पहले आई ए सिक्सटीन से बातचीत शुरू की जाती है ताकि बच्चों को उसमें मौजूद जो रूल है उन पर कमांड हासिल हो जाए उसमें जो बातें आप सीखोगे उसका लिंक कहीं ना कहीं से हर चैप्टर से बनना शुरू हो जाएगा और स्पेशली उसमें एक चीज़ है जिसको हम कहते हैं रीवेलुएशन मॉडल ठीक है सर वो एक बड़ी स्पेशल चीज़ है उसका लिंक हर चैप्टर से बनना शुरू हो जाता है हमारे पास जो सिलेबस है उसमें ज़्यादातर चैप्टर एसिड से रिलेट करते हैं एसिड डेप्रीशियेट हो रहे हैं आई एस सिक्सटीन एसिड इम्पेयर हो रहे हैं आई ए एस थर्टी सिक्स बोर्ड करके एसिड को बना रहे हैं आई ए एस ट्वेंटी थ्री एसिड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी तो बेटा हम एसिड से रिलेटेड आज सिलेबस शुरू करने जा रहे हैं टाइम ज़ाये किए बगैर और आई एस सिक्सटीन प्रॉपर्टी प्लान इक्विपमेंट के ऊपर हम बातचीत शुरू कर रहे हैं जो बच्चे पिछली क्लास में नहीं थी मतलब क्लास तो आज से शुरू हुई है और तो बैठक डेमो क्लास रखी थी इन्होंने जिनको सिलेबस का नहीं पता मैं क्लास के आखिर में पंद्रह मिनट रोक लूंगा उनके साथ सिलेबस को मैं डिस्कस करके बात कर लूँगा ठीक है सर दोस्त बात शुरू कर हैं शुरू करने जा रहे हैं आई सिक्सटीन से आई ए एस सिक्सटीन जिसका पूरा नाम आपको पता ही है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट्स जिसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में पीपीई का नाम देते हैं चलो बेटा आप माशाल्लाह से ये चैप्टर थोड़ा बहुत आप पढ़ के बैठे हुए हो लेकिन क्या है मैंने नहीं पढ़ाया था और मैंने इस चैप्टर को इंतहा पर लेके जाना है बहुत ज़्यादा इसके बारे में पढ़ाना है तो हमारे और आपके कॉन्सेप्ट एक जैसे हों इसके लिए थोड़ा ज़रूरी है कि कुछ बेसिक बातों को रिवाइज़ कर लिया जाए ऐसा ना हो मैं एप्पल बोलूं आपके दिमाग में तस्वुर ऑरेंज का है मैं एप्पल की अकाउंटिंग सिखाता रहूं आप ऑरेंज समझ के करते रहो तो बात थोड़ी गलत हो जाएगी तो थोड़ा सा टाइम लगा के हम ज़रा कुछ बुनियादी बातों को एक जैसा अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें पहली बात प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट होते क्या हैं शाह जल्दी से में से एक भाई बोल रहे बताना चाह रहे हैं हाँ है। बोल रही बात कंप्लीट कर लेते हैं प्रॉपर्टी प्लान इक्विपमेंट हम लोग उन चीजों को कहते हैं जो के टेंजिबल आइटम्स हो टेंजिबल आइटम वो कहलाते हैं जो फिजिकली एग्जिस्ट करते हो नजर आते हो टच कर सको देख सको जैसे बिल्डिंग एक टेंजिबल आइटम है फर्नीचर एक टेंजिबल आइटम है लैपटॉप एक टेंजिबल आइटम है वहीकल एक टेंजिबल आइटम है इन जैसी चीजों को हम टेंजिबल मानते हैं ना सिर्फ टेंजिबल हो बल्कि ऑर्गेनाइजेशन के पास हेल्ड फॉर यूज हो इस्तेमाल करने के लिए मौजूद हो भाई किस किस्म का इस्तेमाल चार इस्तेमाल हमारा स्टैंडर्ड गिनवाता है पहला इस्तेमाल या तो आप उसे एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज़ में इस्तेमाल करो या आप उसे प्रोडक्शन के कामों में इस्तेमाल करो या आप उसे रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज में इस्तेमाल करो या फिर आप उसे इस्तेमाल करो रेंटल टू अदर्स किराए पर देने में इस्तेमाल करो लेकिन कितना इस्तेमाल करो इस्तेमाल की भी लिमिट बताइए एक्सपेक्टेड टू बी यूज फॉर मोर देन ईयर एक साल से ज्यादा अरसे तक इस्तेमाल करो हर वो चीज जो आपके पास टेंजेबल हालत में हो इस्तेमाल करने के लिए मौजूद हो आप चाहे उसे प्रोडक्शन के कामों में इस्तेमाल करो एडमिनिस्ट्रेटिव कामों में इस्तेमाल करो किराए पर देने में इस्तेमाल करो सर्विसेज देने में इस्तेमाल करो लेकिन ऐसा लगता हो एक साल से ज्यादा अरसे तक इस्तेमाल करोगे वो प्रॉपर्टी प्लान इक्विपमेंट कहलाते हैं चलो एग्जाम्पल बना बना के समझते हैं हम एक बिल्डिंग में बैठकर क्लास करवा रहे हैं बिल्डिंग क्लास करवाने के लिए फर्नीचर को भी इस्तेमाल किया जा रहा है क्लास करवाने के लिए एसी को भी इस्तेमाल किया जा रहा है क्लास करवाने के लिए लैपटॉप भी इस्तेमाल हो रहे हैं ये सब टेंजल आइटम हेल्ड फॉर यूज क्या यूज कर रहा हो इसके जरिए स्टूडेंट्स इस को सर्विसेज दे रहे हैं टीचिंग की सर्विसेज दे रहे हैं और ऐसा लगता है ये तमाम चीजें एक साल से ज्यादा अरसे तक इस्तेमाल की जा सकती हैं क्या डेफिनेशन पूरी हो गई आवाज नहीं आ रही यस सर मुबारक हो ये सारी चीज़ें क्या कहलाएंगी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट कहलाएंगी बार बदलते कोई फैक्ट्री है मशीनें लगी हुई हैं मशीनें अमूमन लगाई जाती हैं प्रोडक्शन हासिल करने के लिए अब मशीनें टेंजिबल आइटम हेल्ड फॉर यूज़ यूज़ करने के लिए रखी हुई है लेकिन क्या यूज़ है सर हम उसे प्रोडक्शन के कामों में यूज़ कर रहे हैं और एक्सपेक्टेड है एक साल से ज़्यादा अर्से तक वो हमारे इस्तेमाल में रहेंगी मुबारक हो डेफिनेशन पूरी हो गई मशीनें भी क्या बन गई प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट बन गई बात बदलते हैं सर टी का एडमिशन ऑफिस आपने भी देखा हुआ है अकाउंट्स ऑफिस आपने भी देखा हुआ है ए सी वहाँ भी लगे हुए फर्नीचर वहाँ भी रखा हुआ है लेकिन वो लोग उसे इस्तेमाल कर रहे हैं एडमिनिस्ट्रेटिव कामों के अंदर वो चीज़ें भी टेंजिबल हैं यूज करने के लिए रखी हुई हैं लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव कामों में यूज हो रही हैं और एक्सपेक्टेड हैं कई साल तक यूज़ होती रहेंगी मुबारक हो उन्होंने भी डेफिनेशन पूरी कर दी वो भी हमारे क्या बन गए प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट बन गए बात आगे बढ़ाते हैं किसी का रेंट कार का बिजनेस है पांच गाड़ियां हैं किराए पर देता है मैंने उससे पूछा इन गाड़ियों का तुम क्या करते हो उसने कहा मैं यूज करता हूं मैंने कहा क्या यूज करते हो उसने कहा इनको मैं किराए पर देने में यूज करता हूँ अनएक्सपेक्टेड है कई साल तक ये गाड़ियां किराए पर दी जा सकती हैं गाड़ियां टेंजल आइटम हेल्थ फॉर यूज मोर देन ईयर फॉर रेंटल टू अदर डेफिनेशन पूरी हो गई ये भी हमारे लिए क्या बन गए प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट बन गए हर वो चीज जो हमारी डेफिनेशन पूरी करेगी वो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट कहलाएगी और जो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट कहलाएगा उसकी अकाउंटिंग हम लोग किससे सीखते हैं आई ए एस सिक्सटीन से सीखते हैं है। बात को आगे बढ़ाते हैं जरा सी डेफिनेशन बदलो अकाउंटिंग हमारी तब्दील हो जाती है आप जरा सी डेफिनेशन बदल दो हमारी पूरी अकाउंटिंग तब्दील हो जाती है जैसे एसी की अभी हम बात कर रहे थे एसी टीएसए में लगा हुआ है, हैल्ड फॉर यूज रखा हुआ है यूज करने के लिए लेकिन ऐसा ही एसी किसी दुकान में रखा हुआ है दुकान वाला क्या कह रहा है हेल्ड फॉर सेल मैंने इसको बेचने के लिए रखा हुआ है अकाउंटिंग तब्दील हो गई जिसके पास ए एसी बेचने के लिए रखा हुआ है उसकी वो इनवेंट्री है और जिसने खरीद कर यूज करने के लिए रखा हुआ है उसका वो प्रॉपर्टी प्लान इक्विपमेंट है जो इनवेंट्री मान रहा है वो आई एस टू के मुताबिक अकाउंटिंग करे और जो प्रॉपर्टी प्लान इक्विपमेंट मान रहा है वो आई एस सिक्सटीन के मुताबिक अकाउंटिंग करे डिफरेंस समझ में आ रहा है बेटा आपके हर वो चीज जो डेफिनेशन पूरी करेगी जो आपको समझाया मैंने अभी वो प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट कहलाएगी नॉर्मली ऐसी कौन सी चीज़ें होती हैं जिन्हें हम प्रॉपर्टी प्लान इक्विपमेंट मानते हैं जल्दी से एग्जाम्पल रिकॉल करते हैं वो नाम रिकॉल करते हैं जो हमारे पास छ महीने प्रैक्टिस में आते रहेंगे सर जिन चीजों को प्रॉपर्टी प्लान इक्विपमेंट माना जाता है उनमें सबसे पहले बिल्डिंग्स नंबर टू लैंड नंबर थ्री मशीन्स हीकल्स फर्नीचर जनरेटर्स कंप्यूटर्स एयर कंडीशनर्स then office equipments refrigerator deep freezers मोटरसाइकल्स अलग से लिख दिया मैंने अदरवाइज वो कम, उसमें भी आ सकता है आपके पास वहीकल में भी इस किस्म की चीजों को प्रॉपर्टी प्लान इक्विपमेंट माना जाता है देखिए हम उस मोटरसाइकिल की बात नहीं कर रहे जो घर में रखी हुई इस्तेमाल करने के लिए हम घर की तो अकाउंटिंग करते ही नहीं है ना हम किस किस मोटरसाइकिल की बात कर रहे हैं जो किसी कंपनी में मौजूद है यूज करने के लिए उसे वो चाहे वो अपने एडमिनिस्ट्रेटिव कामों में यूज करें या किसी और काम में यूज करें ठीक है एक छोटी सी एग्जाम्पल लेते हैं कोई कोरियर कंपनी है मान लो टीसीएस बड़ा नाम है वो तो अभी बोल रहे हमारे पास एक हजार मोटरसाइकिल है कराची में तो कराची में हमने अपने, अपने स्टाफ को दी गई यूज करने के लिए भाई क्या यूज करते हो सर ये मोटरसाइकिल इस्तेमाल हो रही है कस्टमर को सर्विसेज देने में सर्विस क्या है कोरियर घर तक पहुंचाना है कोरियर ऑफिस तक पहुंचाना है तो इस सर्विस को देने में मोटरसाइकिल भी तो यूज हो रही है और एक्सपेक्टेड है कई साल तक यूज होती रहेगी वो भी क्या बन गए हमारे लिए प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट बन गई आगे बेटा बात बढ़ाते हैं ये जितने प्रॉपर्टी प्लान इक्विपमेंट होते हैं आप सबको पता है वक्त गुजरने के साथ ये क्या हो रहे हैं डेप्रीशिएट होते हैं तो यहाँ से पे कॉन्सेप्ट आता है कि सर ये डेप्रीसीशन क्या चीज़ है इस नाम से आप पूरा चैप्टर पढ़ कर आए हो शाह भाई जल्दी से कौन से बता दो डेप्रीसीशन क्या होता है किसी को मौका देते हैं और कोई हाँ बताएंगी जी आगे बस इतना ज्यादा बिना डेप्रीसिएशन का सिंपल मतलब जिंदगी भर के लिए याद रखो जो उसकी ओरिजिनल डेफिनेशन है तो मिस ने अभी आधी बताइए डेप्रीसिएशन इज द सिस्टमेटिक एलोकेशन ऑफ डेप्रीशियबल अमाउंट ऑफ एन एसेट ओवर इट्स यूजफुल लाइफ डेप्रीसिएशन इज द सिस्टमेटिक allocation of depreciable amount of an asset over its useful life ठीक है, डेप्रिसिएशन बेसिकली एक सिस्टमेटिक एक खास तरीके से एलोकेशन का नाम है एलोकेशन कहते हैं डिवाइड कर देने को सिंपल एग्जांपल, कुछ दोस्त बैठकर कहीं खाना खा रहे हैं, खाने का बिल आ गया क्या बोलोगे भाई बिल आपस में डिवाइड कर लो इसी को प्रोफेशनली क्या बोलोगे या बिल आपस में एलोकेट कर लो बंटवारा कर लो उसका डेप्रीसिएशन भी एक एलोकेशन का नाम है डिवाइड करने का नाम है लेकिन किसको किसपे डिवाइड करना है आप डेप्रीशिएबल अमाउंट को डिवाइड करवा लें ओवर इट्स यूजफुल लाइफ ठीक है सर डेप्रीशियेबल अमाउंट क्या होता है ये भी आप पढ़कर आए हो क्या होता है भाई शाबाश कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू अगर हम कॉस्ट में से रेजिडुअल वैल्यू का वर्ड हटा दें, तो बचेगा डेप्रिशियबल अमाउंट और इसको यूजफुल लाइफ से डिवाइड कर लें तो आ जाएगा रेजिडुअल वैल्यू को किसी दौर में स्क्रैप वैल्यू भी कहा जाता था सैलविच वैल्यू भी कहा जाता था अब यह वर्ड आप इस्तेमाल नहीं करना अब ये नॉन प्रोफेशनल वर्ड कहलाता है हमारे स्टैंडर्ड में जो नाम दिया हुआ है वो दिया हुआ है रेजिडुअल वैल्यू बची हुई वैल्यू कि जितने साल आप एसिड को इस्तेमाल करने का सोच रहे हो उसके बाद वो एसेड अंदाजन कितने तक का बचेगा सिंपल से एग्जांपल आपने कोई मोबाइल खरीदा एक लाख रुपए का सोचा दो साल इस्तेमाल करूंगा और बेहतर कंपनी का मोबाइल है दो साल बाद बेचने जाऊंगा बीस हजार तक का तो बिक जाएगा ऐसा आपको लग रहा है कि दो साल बाद मोबाइल की वैल्यू रेजिडुअल वैल्यू बची हुई वैल्यू बीस हजार होगी एक लाख में से आपने बीस हजार को हटाया ये आ गया अस्सी हजार ये कहलाएगा वो अमाउंट जो आप डेप्रीशिएट करवाना चाहो और दो साल पे करवाना चाहो जब इसको दो से डिवाइड करा चालीस हजार रुपए पर एनम हमारे पास डेप्रीसीशन आ रहा है आसान अल्फाज में ये बता क्या रहा है ये बता रहा है लाख रुपए का मोबाइल लिया है दो साल इस्तेमाल में रखूंगा बीस हजार तक कब बिक जाएगा यानी लाख में से बीस हजार मेरे वापस आ जाएंगे वापस कौन नहीं आएगा अस्सी हजार वापस नहीं आएंगे कहाँ गए मेरे अस्सी हज़ार सर वो मैंने इस्तेमाल कर लिए कितने साल में इस्तेमाल कर लिए दो साल में इस्तेमाल कर लिए तो एक अंदाजे के मुताबिक इस एसिड का इस्तेमाल सालाना इस्तेमाल मुझे कितने का पड़ रहा है चालीस हजार रुपए का पड़ रहा है फिर इस्तेमाल हो गया अगर सब कुछ वही हुआ जो मैं सोच रहा हूं अब मैंने इसको बेचा मान लो बीस हजार का बिक गया तो क्या बोलूंगा लाख में से बीस वापस आ गए अस्सी वापस नहीं आए वो मैंने सबर कर लिया वो मैंने इस्तेमाल कर लिया दो साल में इस्तेमाल करा था तो मुझे इसका इस्तेमाल सालाना कितने का पड़ गया चालीस हजार का पड़ गया बेटा अगला मसला अगलाशन को निकाले कैसे डेप्रीसी को निकालने के लिए कोई परफेक्ट मेथड आज तक नहीं बना है अगर कोई परफेक्ट मेथड बन चुका होता मैंने भी वही पढ़ा होता आपकी बुक में भी वही होता आई ए सिक्सटीन ने भी उसी को रिकमेंड किया होता प्रैक्टिकल लाइफ में भी वही इस्तेमाल हो रहा होता लेकिन ऐसा हो नहीं पाया प्योर ये का नाम है किसी को नहीं पता ये हर साल कितना एग्जैक्ट डेप्रीशियट हो रहा है किसी को नहीं पता ये बिल्डिंग हर साल कितनी डेप्रीशियेट हो रही है बहरहाल अकाउंटिंग कहती है अंदाजे लगा लो अंदाजे लगाने के लिए जितनी थोड़ी बहुत अकाउंटिंग मैंने पढ़ी है मोर देन थर्टी सेवन मैथर्स आज तक मैं किताबों में देख चुका हूं लेकिन सारे मेथड प्रैक्टिकल लाइफ में इस्तेमाल होते हुए नहीं देख पाया वजह क्या है आपने जुमला सुना होगा बाज बातें, किताबी बातें होती हैं। है। किताबी बातें है, किताबी कहानी है, किताबों में जिक्र मिलता है ठीक है छोटी एग्जाम्पल सच बोलना चाहिए समझ गया ना मैं कहना क्या चाह रहा हूँ हाँ सब बिल्कुल बोलना चाहिए किताबें तो यही सिखाती हैं लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में झूठ बोले बगैर कभी कभी गुजारा नहीं होता आप क्या कर सकते हैं इसी तरह बहुत से मेथड ऐसे हैं जो किताबी मेथड हैं, बुक्स में उनका जिक्र मिलता है वो मेथड बुक्स में पैदा हुए वहीं ख़त्म हो गए किसी ने उनको इस्तेमाल ही नहीं करा लेकिन कुछ मेथड ऐसे हैं जो प्रैक्टिकल लाइफ में थोड़े ज्यादा इस्तेमाल होते हैं उनमें से कुछ आपके सिलेबस में डाल दिए गए पहला मेथड जिसे आप कहते हो स्ट्रेट लाइन मेथड स्ट्रेट लाइन मेथड में किसी भी एसिड को डेप्रिशिएट करवाने के लिए आप एक सिंपल सा फॉर्मूला इस्तेमाल करते हो कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिडेड बाई यूजफुल लाइफ ये सिंपल तरी फार्मूला है जो स्ट्रेट लाइन में इस्तेमाल किया जाता है इससे आसान तरीका और कोई नहीं है अब याद रखना नॉर्मली सवाल में मैथड गेविन होता है अगर कभी सवाल में कोई मैथड ना बताए हमेशा सवाल को स्ट्रेट लाइन पे ही सॉल्व करना एग्जामिनर हमारा यही करता है हमारा दूसरा मैथड आता है बहुत आता है पेपर में नाम है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड इसके बेटा कुछ और नाम भी हमारे पास होते हैं इसे डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड भी कहा जाता है इसे डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड भी कहा जाता है इसे रिटेन डाउन वैल्यू मेथड भी कहा जाता है रिटेन डाउन वैल्यू को शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है डब्ल्यू डी वी रिटेन डाउन वैल्यू मेथड ये सब इसी मेथड के बदले हुए नाम है किसी भी नाम से पेपर में पूछ ले कॉन्सेप्ट एक ही है इस मेथड में किसी भी एसेड को डेप्रीशिएट करवाने के लिए हम लोग कैरिंग अमाउंट को मल्टीप्लाई करवाते हैं डेप्रीसीशन के रेट के साथ ठीक है सर यही सीखा होगा आप लोगों ने भी अब कैरिंग अमाउंट का अपना एक फॉर्मूला होता है वो क्या होता है कॉस्ट माइनस एक्यूमिलेटेड डेप्रीसी मल्टीप्लाइड बाय डेप्रीसी रेट अगर आप कॉस्ट में से एक्यूमिलेटेड डेप्रीसी माइनस कर दो जो बचेगा वो कैरिंग अमाउंट बची भी वैल्यू और बची भी वैल्यू को किसी रेट से मल्टीप्लाई कर दो तो आपका डेप्रीसी निकल आएगा वैसे तो अमूमन डेप्रीसी का रेट सवाल में होता है लेकिन पहली बार इसने मार्च 24 के अंदर एक सवाल दिया 18 मार्क्स का उसके अंदर डेप्रीसी का रेट नहीं दिया अब बहुत सारे बच्चे जो कि आई की एग्जिपन एक लेकर आते हैं और प्रॉपर क्लास भी नहीं लेते उनको भी फार्मूला नहीं पता था कि किस फार्मूले से रेट निकालते हैं ठीक है ना लेकिन जो प्रॉपर क्लास लेके बैठे हुए मेरे सामने आपने रेट निकालना सीखा हुआ है आपकी बुक में एक फार्मूला दिया हुआ था कि अगर रिड्यूसिंग बैलेंस के अंदर डेप्रीसीशन का रेट निकालना हो, तो फार्मूला कुछ ऐसा इस्तेमाल कर लेना वन माइनस एन आर ओवर सी आप एप्रीबियशन वर्ड कुछ भी रख दो लेकिन कॉन्सेप्ट सेम है जिसके अंदर n इक्वल टू यूजफुल लाइफ आर इक्वल टू रेजिडुअल वैल्यू सी इक्वल टू कॉस्ट ऑफ एसिड अगर ये तीन चीजें आप फॉर्मूले में डाल दो एक डेप्रिसिएशन का रेट निकल आएगा और वो रेट हमें इस्तेमाल करना होता है रिड्यूसिंग बैलेंस के अंदर फिर बोल रहा हूँ कभी इस फॉर्मूले को इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं पड़ी लेकिन मार्च ट्वेंटी फोर में पहली बार एग्जामिनर ने हरकत करी और रेट छुपा दिया और फिर रेट हमें कैलकुलेट करना पड़ गया फर्क क्या है दोनों मेथड में सर एक बुनियादी फर्क है स्ट्रेट लाइन मैथड से अगर काम करेंगे तो हर साल का डेप्रिसिएशन एक जैसा एक जैसा आएगा स्ट्रेट सौ रुपए सौ रुपए सौ रुपए सौ रुपए स्ट्रेट लाइन मेथड उन एसेट के लिए बहुत अच्छा है जिनसे हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं ये हमें हर साल एक जैसा बेनिफिट देंगे एक जैसा बेनिफिट देंगे एक जैसे अमाउंट से आप डेप्रिशिएट कर पिछले साल से रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा जब वो रिड्यूस होगा तो फिर वो कह रहेगा रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड ये मेथड उन एसेट के लिए बहुत अच्छा है जिनसे आपको लग रहा है शुरू में ज्यादा बेनिफिट मिलेगा और बाद में कम बेनिफिट मिलेगा हमारा बेटा एक और मेथड जिसको आप कहते थे सम ऑफ द डिजिट्स मेथड मैंने आज तक किसी से सुना नहीं है कि उसने किसी से सुना हो के इस मेथड को प्रैक्टिकल लाइफ में इस्तेमाल करते हुए किसी ने सुनाओ बात समझ गए ना किताबी मेथड है कभी प्रैक्टिकल लाइफ में इस्तेमाल होते हुए किसी ने देखा नहीं बहरह निकल आता है डेप्रीसी इसमें क्या करते हैं इस मेथड के तहत अगर डेप्रीशियट करवाना चाहो कॉस्ट में से माइनस करवाओ रेजिडुअल वैल्यू को डिवाइड करवाओ सम ऑफ़ दी डिजिट से और मल्टीप्लाई करवाओ किसी डिजिट से तो आपका डेप्रीसिएशन निकल आता है जब हम कहते हैं सम ऑफ दी डिजिट इसका मतलब क्या होता है इसका मतलब होता है सम ऑफ़ ऑल द डिजिट्स ऑफ यूजफुल लाइफ आपके पास एसिड की जितनी भी यूजफुल लाइफ आप सोच रहे हो उस लाइफ के तमाम डिजिट का सम ले लो फॉर एग्जाम्पल अगर आप यूजफुल लाइफ सोच रहे हो पाँच साल तो डिजिट नंबर वन डिजिट नंबर टू डिजिट नंबर थ्री डिजिट नंबर फोर डिजिट नंबर फाइव पंद्रह साल की लाइफ आवे गई आप लाइफ सोच रहा हो बीस साल तो डिजिट नंबर वन से लेकर डिजिट नंबर बीस तक का सम ले लो अगर डिजिट बहुत बड़ा हो तो यही काम सम निकालने का मैथमेटिकली भी हो सकता है इसके लिए आपने सम का फॉर्मूला पढ़ा होगा आप एन एन प्लस वन ओवर टू कर दो इससे हमारा सम निकल आता है अगर यूजफुल लाइफ पाँच साल है फाइव फाइव प्लस वन ओवर टू ठीक है इसको भी सॉल्व करोगे आंसर आपका फिफ्टीन ही आएगा ये कहलाएगा सम ऑफ द डिजिट्स ठीक है सर जी इसमें एक एहतियात क्या करनी पड़ती है जब पहले साल का डेप्रीसीशन निकालूंगा किस डिजिट से मल्टीप्लाई करूंगा? डिजिट नंबर फाइव से जो आखिरी डिजिट होता है सबसे पहले वो इस्तेमाल होता है जब नेक्स्ट ईयर आएगा डिजिट नंबर फोर को अप्लाई करूँगा फिर थ्री को फिर टू को इससे होगा क्या पहले साल डेप्रिसिएशन सबसे ज्यादा आएगा दूसरे साल कम आएगा जब ने छोटे डिजिट से मल्टीप्लाई कराए तीसरे साल और कम आएगा इट मींस ये मेथड भी उन एसेट के लिए फायदेमंद है जिनसे शुरू के सालों में ज्यादा बेनिफिट मिले और बाद के सालों में कम बेनिफिट मिले फिर हमारा एक और मेथड आजकल पेपर में आ रहा है ये वो हमारे पास वर्किंग आवर्स मेथड इस मेथड के तहत किसी भी एसेट को डेप्रिशिएट करवाने के लिए कॉस्ट माइनस Residual value divided by useful life in hours multiplied by hours worked. बाई कॉस में से माइनस करवाओ रेजिडुअल वैल्यू को डिवाइड करवा दो यूजफुल लाइफ इन आवर्स से ये मेथड उन एसिड के लिए इस्तेमाल किया जाता है जिनकी लाइफ आप घंटों में नाप सकते आप घंटों में नाप आवर्स में लाइफ सबकी तो नाप नहीं सकते एग्जाम्पल ये बिल्डिंग सौ घंटे चलेगी बाद में वजन ही नहीं है किसने देखा बिल्डिंग को चलते हुए कभी ठीक है लेकिन इस तरह बोलू ये ए सी सौ घंटे चलेगा हाँ बाद में वजन है ऑन करेंगे तो ये चलेगा ऑफ कर देंगे ये कितना चल जाएगा उसने कहा एहतियात से इस्तेमाल करो सौ घंटे तो चल सकता है आपने वहीं खड़े खड़े दिमाग में क्या सोचा सौ रुपए का एसी सी सौ घंटे चलेगा मतलब एक घंटा चलने पर एक रुपए का डेप्रिशिएट हो रहा है आज पांच घंटे चलाया कैस्यूम कर लो पाँच रुपए डेपरीशियट हो गया आज आठ घंटे चलाया क्या जूम कर लो आठ रुपए डेपरीशियट हो गया ये भी एक मेथड है ये मेथड अमूमन मशीनों पे लगता है इंजनस पे लगता है इंजन ठीक है मिसाल दे रहा हूँ शिप का इंजन जहाज का इंजन ये जो बड़े बड़े इंजन होते हैं इनकी लाइफ घंटों में नापी जाती है ये कितने घंटे उड़ सकते हैं कितने घंटे पानी में चल सकते हैं इन घंटों के हिसाब से इनको डेपरीशियेट किया जाता है और हमारा आखिरी मेथड वो सर यूनिट्स प्रोड्यूस्ड मेथड यूनिट्स प्रोड्यूस्ड मेथड अब ये क्या होता है सर इस मेथड के तहत किसी भी एसिड को डेप्रिशिएट करवाने के लिए कॉस्ट में से रेजिडल वैल्यू को लेस करवा लो डिवाइड करवा लो यूजफुल लाइफ इन यूनिट से और मल्टीप्लाई करवा लो यूनिट्स प्रोड्यूस से यह मेथड अमूमन उन एसिड के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो हमें प्रोडक्शन देते हो कोई चीज़ बनाकर देते हो आउटपुट देते हो समझाने के लिए सिंपल सी एग्जांपल हम कोई फोटोकॉपी मशीन खरीद रहे हैं फोटो मशीन का काम क्या है फ़ोटो कॉपी करके देना पेपर की उसकी आउटपुट है प्रोडक्शन है मान लो पाँच लाख रुपए की फोटोकॉपी मशीन खरीद रहे हैं दुकान वाले से पूछा भाईजान कितना चल जाती है उसने कहा एहतियात से इस्तेमाल करोगे तो मेरा ख्याल है पाँच लाख पेजेस की फोटोकॉपी निकाल पाओगे आपने वही खड़े खड़े क्या सोचा पांच लाख की मशीन पांच लाख पेज की फोटो कॉपी निकाल लेगी एक पेज कर करने पर कितने की हो रही है रुपए की हो रही है मेथड अमूमन मशीनों वगैरह के लिए इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि तो मशीनों को हम आउटपुट में नापर होते हैं अब यहां बेटा एक छोटी सी बात मैं आपको और समझा दू पता है तो अच्छी बात है नहीं तो सीख लो एसिड की दो लाइफ होती है जिनका आगे सिक्सटीन में जिक्र है एक कहलाती है इकोनॉमिक वाली लाइफ और एक कहलाती है यूजफुल वाली लाइफ हम एसेट को इकोनॉमिक लाइफ पे डेपरीशियेट नहीं करते यूजफुल लाइफ पे डेपरीशियेट करते हैं सर फ़र्क क्या है इसके अंदर ये जो इकोनॉमिक लाइफ है इसका मतलब होता है टोटल लाइफ ऑफ एसेट फॉर वन और मोर यूजर्स और यूजफुल लाइफ का मतलब होता है लाइफ रेलिवेंट फॉर सिंगल यूजर हाँ बेटा क्या फर्क है दोनों के अंदर एज्यूम करें हमने कोई मशीन खरीदी इरादा है कुछ साल इस्तेमाल करके आपको बेच दूंगा कुछ साल इस्तेमाल करी आपको बेच दी आप उस मशीन को इस्तेमाल करते रहे कुछ साल बाद आपने किसी और को बेच दी उसने कुछ साल बाद किसी और को भेज दिया सिलसिला चलता रहा कभी तो कोई वक्त ऐसा आएगा जब लोग बोलेंगे कि मशीन ख़त्म हो गई है बेकार हो गई किसी काम की नहीं रही जब वो टाइम आ जाए ना फौरन बोल देना मशीन की टोटल लाइफ खत्म हो गई इकोनॉमिक लाइफ खत्म हो गई हम ऐसे क्यों यूज करते हैं सर उनसे इकोनॉमिक बेनिफिट निकालने के लिए अब इसमें कोई इकोनॉमिक बेनिफिट देने की ताकत नहीं बची हमने इसको निचोड़ लिया ख़त्म कर दिया इसकी टोटल लाइफ खत्म कर दी लेकिन अगर मान लो उस मशीन की टोटल लाइफ पच्चीस साल है तो 25 साल अमूमन जीरो मीटर नई गाड़ी, गाड़ी लो मेंटेन करके चलो आराम से बीस पच्चीस साल निकाल लेती है क्या बीस पच्चीस साल आपने अमूमन किसी को एक ही गाड़ी इस्तेमाल करते हुए देखा है ठीक है कुछ पुरानी गाड़ियों के दीवाने होते हैं उनको आप एक्स्ट्रा साइड में कर दो नॉर्मली ऐसा नहीं होता क्या होता है कोई गाड़ी लेता है चार पांच साल आठ दस साल के बाद गाड़ी बदल लेता है क्या बोलता है इंजन में काम निकलना शुरू हो गया गाड़ी की बॉडी बहुत खराब हो गई बेहतर है गाड़ी बदल ही लू गाड़ी गल रही है सड़ रही है ऐसे होता है ना भाई एक गाड़ी कह रही है पच्चीस साल चल सकती हूं मैंने कहा चल भाई मैं तो पांच साल यूज करूंगा मेरे लिए क्या लाइफ क्या हो गई पांच साल मेरी यूजफुल लाइफ सिंगल यूजर हम एसेड को इकोनॉमिक टोटल लाइफ पे डेप्रिशिएट नहीं करते अपने लिए जितने साल इस्तेमाल करना चाह रहा उस पर डेप्रिशिएट करते हैं। दो चीजें आपस में इंटरकनेक्टेड है अगर समझ पाओ तो सर वो क्या है यहां देखो कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ जितनी बड़ी यूजफुल लाइफ अपने लिए सोचूंगा इतनी छोटी रेजिडुअल वैल्यू मुझे सोचनी पड़ेगी मजाक की बात पचास हजार का मोबाइल दस साल बाद बेचूंगा सोच रहा हूँ क्या मिलेगा अकल ने बोला कुछ नहीं मिलेगा मैं कहा क्यों कह रहा है दस साल बाद लेटेस्ट मॉडल मार्केट में होंगे कौन पूछेगा इस मोबाइल को दस साल बाद अगर चलता भी होगा वो एक रुपया नहीं देगा तुम्हारे को मैंने अच्छा। मैंने कहा अच्छा पचास हजार का मोबाइल एक साल बाद बेचूंगा आपने कहा एक साल बाद मिल जाएंगे तुम्हारे को दस पंद्रह हजार रुपये मैंने कहा दो महीने में बेच दूंगा अरे मिल जाएंगे बीस पच्चीस हजार रूपये मैंने कहा एक हफ्ते बाद बेच दूंगा भाई मिल जाएंगे चालीस पैंतालीस हजार रुपये जितनी बड़ी यूजफुल लाइफ सोचोगे इतनी छोटी क्या होती जाएगी रेजिडल वैल्यू उसकी वैल्यू कम होती जाएगी क्योंकि ज्यादा तो आपने यूज कर लिया और जितना कम लाइफ सोचोगे इतनी बड़ी हो जाएगी रेजिडल वैल्यू दोनों आपस में इस तरीके से चल रहे होते हैं अगर एक गाड़ी मैंने पचास लाख की ली है इरादा है दो साल बाद बदल दूंगा किसी ने बोला अच्छे पैसे मिलेंगे दो साल में तेरी गाड़ी तीस लाख तक की निकल जाएगी दिमाग में क्या रहा है एक गाड़ी जो पच्चीस साल चल सकती है मैं तो दो साल में बदल दूंगा और मुझे उसके तीस लाख मिल जाएंगे पचास लाख की गाड़ी ली दो साल बाद तीस लाख की बिक जाएगी बाकी कितने नहीं मिलेंगे बीस लाख बीस लाख किसने इस्तेमाल कर लिए वो मैंने इस्तेमाल कर लिए कितने साल में इस्तेमाल कर लिए दो साल में कर लिए एक अंदाजे के मुताबिक इस गाड़ी का सालाना इस्तेमाल मुझे कितने का पड़ रहा है दस लाख रुपए का पड़ रहा है बेटा ये कॉन्सेप्ट है डेप्रीशन का हम काम आप किसी मेथड से भी कर लो चले बात को और आगे बढ़ाते हैं भाई ये बेटा एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कमेंसमेंट ऑफ डेप्रीसिएशन एफ आर वन के काफी सवाल में ये कॉन्सेप्ट की आपको जरूरत पड़ेगी सवाल ध्यान में आता है किसी भी एसिड कब से डेप्रिशिएट करना शुरू करें ठीक है माने आईए सिक्सटी में लिखा हुआ है डेप्रीसिएशन ऑफ एनी एसिड शैल बी स्टार्टेड when acid is in available for use condition किसी भी एसेट को उस वक्त से डेप्रिशिएट करवाना शुरू करना जब वो अवेलेबल फॉर यूज की हालत में आ जाए उससे पहले मत करवाना ठीक है अब इस बात का मतलब क्या है बाज एसेट ऐसे होते हैं जो ये कहते हैं तुमने हमें खरीद तो लिया है लेकिन अभी इस्तेमाल नहीं कर पाओगे इस्तेमाल करने के लिए थोड़े पैसे और खर्च करने पड़ेंगे सो so, छोटी सी एग्जाम्पल ए सी खरीद लिया कूलिंग निकाल के दिखा दो एसी को इंस्टॉल करवाना पड़ेगा लगवाना पड़ेगा टाइम लगता है एसी छोटी एग्जांपल है क्या होगा आज खरीदा दो तीन घंटे में लग गया आज खरीदा आज ही इस्तेमाल के लिए तैयार हो गया आज से डेप्रीशियट करना शुरू कर दो एग्जांपल जरा बड़ी कर लो सर हम एक नई फैक्ट्री लगा रहे हैं नई फैक्ट्री का मतलब सिंपल क्या होता है अगर आंख बंद करो फैक्ट्री आपने भी देखी होगी आंख बंद करो मशीने ही मशीने मशीनों का जाल बिछ रहा है फैक्ट्री को खड़ा करने में चलो हम ऐसा कह रहे हैं हम एक नई फैक्ट्री लगा रहे हैं बड़ी फैक्ट्री है मशीने ही मशीने लग रही है छह महीने लग जाएंगे इन मशीनों को लगाने में उसके बाद ये मशीनें इस्तेमाल के लिए तैयार होंगी खरीद लिया था जनवरी में इस्तेमाल के लिए तैयार हुई है फर्स्ट जुलाई से अब डेप्रिशिएट कब से करूं फर्स्ट जनवरी से मत करना फर्स्ट जुलाई से कर। हम एक बड़ी बिल्डिंग बना रहे हैं बड़ी बिल्डिंग मान लो दो साल में बनेगी लाइफ सोची पचास साल पचास साल पे डेप्रिशिएट करेंगे पहला साल बिल्डिंग थोड़ी बहुत बन गई पूरी नहीं बनी थोड़ी बहुत बन गई सोच रहा हूं डेप्रिशिएट कर दू आइए सिक्सटीन कहता है मत करना पहले इसको बन जाने दो मैंने कहा क्यों क्यों ठीक है हम अवेलेबल फॉर यूज से डेप्रिशिएट क्यों करवाते हैं इसकी जरा लॉजिक को डीपली समझने की कोशिश करता जो एग्जांपल दे रहा हूं अगर समझ में आ जाए तो आपको किसी और एग्जांपल की जरूरत नहीं है हम लोग इंसानी जिंदगी को दुनिया में आने के बाद काउंट करते हैं आप सब मेरी पार हो मेरी बात समझ पा रहे उससे पहली बारी जिंदगी काउंट नहीं करते हैं। उससे पहले कुछ महीने की जिंदगी होती है ना वो हम काउंट नहीं करते क्या बोलते हैं दुनिया का रूल है क्या जब दुनिया में आ जाओ उस दिन से पहली बर्थडे बनेगी उस दिन से दूसरी बर्थडे बनेगी उस दिन से आपका जो मरने का दिन है वो काउंट होगा कितने साल जी के मर गया ऐसा ही होता है जिस तरह हम इंसानी जिंदगी दुनिया में आ जाने के बाद काउंट करना शुरू करते हैं इसी तरह हम एसिड्स की जिंदगी भी उस दिन से शुरू करते हैं जब उर्दू में सब बोल रहा हूं वो मारिज वजूद में आ जाते हैं बेनिफिट देने के काबिल हो जाते हैं बिल्डिंग को बोल रहा हूं तुम्हें तो पचास साल पे डेपरीशियट करूंगा वो क्या बोलेगा यार पहले मुझे इस काबिल तो हो जाने दो कि मैं तुम्हें बेनिफिट देने के काबिल हो जाऊं और मैं वो काबिल दो साल बाद हूँ जब मैं तैयार हो जाऊंगी तो जब एक चीज अभी इस्तेमाल के काबिल नहीं है बेनिफिट देने के काबिल नहीं है तुम उसको बिलावजिएट कर रहा हो यार समझ में आ गई बात आपके तो बेटा ये कभी कभी सवाल में डाल देता है परचेज किसी और दिन करा इंस्टॉलेशन में टाइम लग गया इस्तेमाल के लिए इस दिन तैयार हुआ तो कंफ्यूज मत हो जाना जिस दिन इस्तेमाल के लिए तैयार होगा उस दिन से डेप्रिशिएट करेंगे अब अमूमन सवाल में क्या होता है अमूमन जो आज तक आप निमटते हुए आ रहे हो इतनी तफसील सवाल में होती नहीं है जो आप एम सी क्यू में देखते हुए क्या होता था एसेट जनवरी में खरीदा आपने इधर देखा ना उधर देखा जनवरी से डेप्रिशिएट करना शुरू कर दिया तफसील है ही नहीं और क्या करें ठीक है तो अगर सवाल में कोई फर्दर इंफॉर्मेशन ना बताए तो जिस दिन खरीदा जाए उसी दिन से करवाना शुरू कर देना एडिशनल भी है तो में कभी-कभी होती है तो फिर ये देखना इस्तेमाल के लिए कब तैयार हुआ उस दिन से डेप्रीशिएट करवाना शुरू करना कब की समझ में, आ रही है? बेसिक में एक आखिरी बात जरा भी और देख लो ताकि नेक्स्ट क्लास से फिर मैं एफर के लेवल का आइए शुरू कर सकूं जब बात चल रही होती है तो हम लोग बात करते हैं लैंड की हमारी अकाउंटिंग में लैंड को अमूमन नॉर्मली डेप्रिशिएट नहीं किया जाता अमूमन हमेशा नहीं कह रहा मैं वजह क्या है जब ये बात मैं बच्चों से पूछता हूँ कुछ बच्चे इंटर कॉमर्स वाले बैठे हुए होते हैं तो वो कुछ इस तरह कहते हैं सर माजेद हमें इस तरह बताया जाता है कि लैंड को शायद डेप्रिशिएट इसलिए नहीं करते क्योंकि okay, वक्त गुजरने के साथ उसकी वैल्यू बढ़ रही है जमीन की कीमत बढ़ रही है वैल्यू एप्रीशियट हो रही है जब उसकी वैल्यू एप्रीशियट हो रही है वाई बी डेप्रीशियट आई ए इस बात को नहीं मानता वो कहता है लैंड को नॉर्मल हालात में डेप्रिशिएट इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि उसकी जो लाइफ होती है वो अनलिमिटेड होती है ये हमारे स्टैंडर्ड में लिखा हुआ है लाइफ क्या होती है अनलिमिटेड हम एक नॉर्मल लैंड की बात कर रहे हैं मुझे अगर बहुत पढ़ा लिखा है और मुझे पकड़ना चाह रहा है दिमाग में क्या रखा होगा व्हाट अबाउट एग्रीकल्चरल लैंड हमने तो सुना है एग्रीकल्चरल लैंड की फर्टिलिटी वक्त के साथ कम हो जाती है आप बिल्कुल सही कहते हो लेकिन एग्रीकल्चरल लैंड इज नॉट कवर अंडर आई एस सिक्सटीन अब एफ आर टू में जाओगे एक टॉपिक पढ़ाऊंगा नाम है आई एस फोर्टी वन एग्रीकल्चरल एसेट्स ये जो एग्रीकल्चर के काम में जमीन ट्रैक्टर और जानवर इस्तेमाल हो रहे हैं उनकी अकाउंटिंग कैसे करते हैं ये सब आप एफ एर टू में पढ़ोगे आई एस फोर्टी वन के अंदर गाय का बच्चा गाय बन गया सोचो तो बोल क्या रहा हूं गाय का बच्चा गाय बन गया जिसने आपका कोई कारनामा नहीं है लेकिन वो बैठे बैठे उसकी वैल्यू बढ़ गई जब वो बच्चा था मान लो उसकी वैल्यू तीस हजार रुपये थी अब मुकम्मल गाय बन गया अब उसकी वैल्यू पांच लाख रुपए ट्रांसफॉर्मेशन चेंज क्या बोलते हैं इसको ट्रांसफॉर्मेशन चेंज इसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट करोगे ये सब ठीक है हम बात कर रहे हैं नॉर्मल जमीन की पट्टी के बात समझना मान लो ये बिल्डिंग आपने खरीद ली बिल्डिंग खरीदने का मतलब क्या है ये जो बिल्डिंग का स्ट्रक्चर खड़ा हुआ है ये भी आपका हो गया और ये बिल्डिंग जिस प्लॉट जमीन पे बनी हुई है जमीन भी आपके नाम पर हो गई आप पट्टी की बात कर लेते हैं ये स्ट्रक्चर एक लिमिटेड लाइफ रखता है चालीस साल पचास साल सौ साल डेढ़ साल एक वक्त आएगा ये स्ट्रक्चर टूटा फूटा हो जाएगा क्या बोलेंगे तोड़ के नया बनाओ लेकिन तोड़ के नया किस पे बनाओ उसी जमीन पर जो हमारे पास पहले से मौजूद है तो रही तो जाओ, 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 जाओ। है बात जमीन लेकिन इसी लैंड को हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हमारी अकाउंटिंग में कुछ ऐसे लैंड होते हैं जिनको हम कहते हैं फ्री होल्ड लैंड कुछ सवालत में इनका जिक्र मिलेगा और कुछ कहलाते हैं लीज होल्ड लैंड उम्मीद है अपने नाम दोनों के सुने होंगे पहले ये जो फ्री होल्ड लैंड होता है ना ये वो होता है जिसकी अनलिमिटेड यूजफुल लाइफ होती है लिहाजा नॉट डेप्रीशियट इन अकाउंटिंग अकाउंटिंग में इस किस्म के लैंड को डेप्रीशिएट नहीं करवाया जाता वजह क्या बता रहा हूं कि होता कौन है दूसरा लीज होल्ड लैंड ये होते हैं लिमिटेड यूजफुल लाइफ वाले लिहाजा डेप्रीशिएटेड इन अकाउंटिंग इन्हें हमारी अकाउंटिंग में डेप्रीशिएट करवाया जाता है अब क्या बेटा फ्री होल्ड लैंड का मतलब ये होता है कोई ऐसी जमीन जो आपको फ्रीली यूज करने के लिए दे दी फ्रीली 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 फॉर योर यूज जब तक चाहे इस्तेमाल करो कोई सरकारी पाबंदी नहीं है कोई गवर्नमेंट की पाबंदी नहीं है कोई रुकावट नहीं है ठीक है थोड़ी सी एग्ज़ाम्पल आजकल तो फ्री है वो लैंड गवर्नमेंट किसी को नहीं दे रही है लेकिन मैं एग्जाम्पल प्रैक्टिकल देता हूँ आपकी समझ में फ़ौरन आ जाएगा पुराने जमाने की मूवी ड्रामे कहानियां तो सुनी होगी बादशाह सलामत बैठे हुए उस दौर में आ जाओ इग्जाम्पल समझ में आ जाएगी किसी ने बहुत अच्छी बात कह दी मूवी में देखा होगा अपने हाथ अपने गले से हार उतार के दे दिया जाओ ऐश करो किसी ने बहुत अच्छी सलाह दे दी अच्छी राय दे दी क्या बोला इसको चार एकड़ जमीन दे दो अब बादशाह से यह तो नहीं पूछोगे ना चार एकड़ जमीन मुझे वापस कब करनी है अब बादशाह दे रहा है ले लो रख लो फ्रीली फॉर योर यूज जब तक चाहे इस्तेमाल करो इसी तरह कभी कभी गवर्नमेंट भी कुछ कामों के लिए जमीन देती है फ्रीली फॉर योर यूज जब तक चाहे इस्तेमाल करो कोई पाबंदी नहीं है अब हमें खुद नहीं पता उसकी लाइफ कितनी है डेप्रिशिएट कहा से करें लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कुछ जमीनें वो लिमिटेड लाइफ वाली होती हैं उन्हें हम लीज कहते हैं लीज होल्ड लीज कहते हैं एग्रीमेंट को ये वो लैंड होते हैं जो हम गवर्नमेंट से एग्रीमेंट करके कुछ खार्स अरसे के लिए अपने इस्तेमाल में ले, ले लेते हैं एग्जाम्पल लेते हैं गवर्नमेंट अभी कहते यहाँ सुपर हाईवे पे हमारे पास बहुत जमीन है मिट्टी उड़ रही है वहां पे कोई तो पूछने वाला नहीं, नहीं। जमीन है गवर्नमेंट की है गवर्नमेंट उन जमीनों को खपाना चाहती है किसी अच्छे काम के अंदर गवर्नमेंट ने बोला आओ यहाँ फैक्ट्रियां लगाओ हमने कहा लगाते फायदा गवर्नमेंट ने कहा दस लाख रुपए एकड़ के हिसाब से ज़मीन मिलेगी सौ साल के लिए मिलेगी समझ में आ गई बात हमने कहा ठीक है यार हमने कहा एक एकड़ ज़मीन दे दो सिर्फ एक एकड़ दे दो एक एकड़ ज़मीन मैंने ले ली गवर्नमेंट से एग्रीमेंट हो गया मुझे गवर्नमेंट ने सौ साल ज़मीन इस्तेमाल करने के लिए दे दी अब मेरा आपसे सवाल सौ साल के बाद ज़मीन के वहां से गायब हो जाएगी नहीं वही होगी गवर्नमेंट क्या बोलेगी चल भाई निकल यहां से एग्रीमेंट खत्म मैं दस लाख रुपए का फायदा कितने साल उठा सकता हूं सिर्फ सौ साल उठा सकता हूं बताओ मेरे लिए लाइफ लिमिटेड हो गई नहीं हो गई तो मैं अपनी यूजफुल लाइफ पर उसको क्या करवा दूंगा करवा दूंगा सही है बेटा ये थोड़ी बुनियादी बातें हैं जो तो इस चैप्टर को पढ़ने के लिए हमारे आपके दिमाग में एक जैसी होनी चाहिए थी मैंने आपको रिकॉल करवा दिया अब बेटा कुछ बच्चे ऐसे बैठे हुए जो के सिलेबस के बारे में नहीं जानते तो दस मिनट मैं सिलेबस उनके साथ बात करूंगा अगर जो सिलेबस के बारे में पिछली क्लास में था उसे समझ में आती है वो जाना चाहे तो जा सकता है मैं रोकूंगा नहीं और अगर कोई बैठ के दोबारा सुनना चाहता है मुख्तर उन बातों को तो बैठा रहे बेटा जाने वाले का मैं कोई बुरा नहीं मानूंगा बेटा चले जिनके पास सिलेबस की कॉपी नहीं थी कॉपी ले लें बड़े कॉपी वहां भी दे ना एक कॉपी वहां ग्रुप में भेज बेटा ग्रुप में अभी भेज देता हूँ शेयर भी नहीं करेंगे चलिए बेटा मैंने ग्रुप में भी शेयर कर दिया है बी टू मार्च ट्वेंटी फाइव का जो ग्रुप बनाए मैंने इसमें शेयर कर दिया मेरी बात किसी क्लास है आपकी ठीक है तो पर दस दस मुझे दे दें आप। आपका जो सिलेबस है बेटा आई ने उसको तीन हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है पहला हिस्सा इसको ये कहते हैं प्रिपरेशन ऑफ़ फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो पेपर में चालीस से पचास मार्क्स तक के लिए पूछा जाएगा दूसरा फ्रेमवर्क एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये पेपर में टेन से ट्वेंटी मार्क्स तक के लिए पूछा जाएगा अकाउंटिंग फॉर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन ये थर्टी फाइव से फोर्टी फाइव मार्क्स तक के लिए पूछा जाएगा और इसमें फर्दर मजीद चैप्टर है आप जो सिलेबस इस वक्त पढ़ रहे हो ये आखिरी बार दो हजार बाईस में इम्प्लीमेंट हुआ था अब तक इसकी छ अटैम्प्ट हो चुकी है बाईस में दो अटैम्प्ट तेईस में दो अटैम्प्ट चौबीस में दो अटैम्प्ट कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो 22 से पहले एफ ए आर वन के सिलेबस में होते थे लेकिन 22 में जब नया सिलेबस आया उन्हें यहाँ से एक्सक्लूड करवा दिया सर वो कौन कौन है ओल्ड स्कीम में एक चैप्टर था सिंगल एंट्री सिस्टम अब वो खत्म हो गया ओल्ड स्कीम में एक और चैप्टर था कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वो भी अब खत्म हो गया ओल्ड स्कीम में एक और चैप्टर था आई एन रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर वो भी अब खत्म हो गया आपने कहा माजी जब खत्म हो गया तो बिना वजह बता क्यों रहा बताना जरूरी है जब आप पाँच पेपर की प्रैक्टिस करोगे पाँच पेपर जो मैनुअल होते हैं आपको मिलेंगे आई कैफ की वेबसाइट पे वे। तो उनमें आपको इन चैप्टर के सवाल भी आए हुए दिखेंगे आप आपने मुझे पिक्चर खींच के भेजोगे या सर माजिद ये चैप्टर किसी टीचर ने करवाया नहीं है उनसे समस्या तो वो वो सवाल हैं जो पहले कभी सिलेबस में होते थे अब सिलेबस से वो टॉपिक ही ख़त्म हो गए अब उनके सवाल तो पाँच पेपर से मिटाए नहीं जा सकते हैं ना वो तो पेपर में आए हुए हैं अब कौन कौन से टीचर कौन से चैप्टर पढ़ाने में इन्वॉल्व है जल्दी जल्दी नाम लिख लो आपका पहला चैप्टर स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन नाम नाम लिखो सर सिलेश मेरा नाम। ये चैप्टर आपने दो बार पढ़ना है इसका जो बेसिक है वो सर जीएम कराएंगे इसका जो एडवांस है वो आपको मैंने करवाना है फिर आई एस सेवन स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो नाम लिख लो सर जीएम का आई एस अकाउंटिंग पॉलिसीज़ चेंजेस इन अकाउंटिंग एस्टीमेट एंड एरर नाम आप मेरा लिख लो करेक्शन ऑफ एरर नाम बेटा मेरा लिख लो आईएस थर्टी थ्री अर्निंग पर शेयर नाम आप लिख लो सर अबील अहमद बेटा सर अबील अहमद मेरे एक पुराने स्टूडेंट है माशाल्लाह से ए सी क्वालिफाइड है

फिर आ रहा है इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट या रेशो एनालिसिस इसके आगे नाम आप सर अबील अहमद का लिख लो इसके बाद लास्ट एरिया में पांच चैप्टर आ रहे हैं जो भी हमने शुरू करा है आई एस ट्वेंटी गवर्नमेंट ग्रांट आई एस ट्वेंटी थ्री बोरिंग कॉस्ट आई एस थर्टी सिक्स इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट्स एंड आई एस फोर्टी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी इन पांचों के आगे बिस्मिल्लाह पढ़ के मेरा नाम लिख दो ठीक है बेटा ये पांचों चैप्टर आपको मैंने करवाने मैंने बेटा आपको बेसिकली बहुत सारे काम करवाने उन बहुत सारे काम के अंदर दो काम मैंने आपको ये करवाने एक तो कुछ टॉपिक है मेरे पास उन टॉपिक्स को मैंने आपको समझाना है इंडिविजुअल सिक्सटीन है हमारे पेपर में एक सवाल लॉन्ग क्वेश्चन का आता है जो तीन चार टॉपिक को मिलाकर बनाया जाता है उसमें जो लीड करता है वो आइए सिक्सटीन होता है मेन काम सिक्सटीन का होता है थोड़ा उसमें आई ए एस ट्वेंटी मिला देता है गवर्नमेंट ग्रांट थोड़ा ट्वेंटी थ्री कभी मिला देता है बोरिंग कॉस्ट थर्टी सिक्स मिला देता है इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट्स कभी आई एस फोर्टी मिला देता है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी तो मैंने आखिर में आकर इन सारे चैप्टर को मिलाकर समेटना भी है ठीक है सर पहला चैप्टर चेंजेस इन इक्विटी मैंने बोला इसका बेसिक सर जीएम कराएंगे एडवांस मैं कराऊंगा अभी मार्च चौबीस के अंदर का सवाल चेंजेस इन इक्विटी का फॉर्मेट वही था जो सर जीएम ने सिखाया उसमें जितनी एडजस्टमेंट आई जितनी अकाउंटिंग करनी थी न तो वो आई एस सिक्सटीन की थी या वो आई एस फोर्टी की जीएम के साथ मिला दिया वैसे जितने सवाल आते हैं जो मिलकर आते हैं वो भी आपको मैंने ही करवा हैं करने के लिए बेटा हमें सिर्फ एक किताब चाहिए उसका नाम है स्टडी टेक्स्ट बार बार रिवाइज होने के बाद आपका स्टडी टेक्स्ट ज़रूरत से ज़्यादा अच्छा बना हुआ है स्टडी किताब को सिखाने के लिए जितना अच्छा होना चाहिए उससे भी अच्छा बना हुआ है आप अगर स्टडी टेक्स को हंड्रेड परसेंट घोल के पी जाओ कॉन्सेप्चुअली कर लो कोई वजह नहीं है पेपर आपका क्यों पास नहीं होगा आपका जो पेपर का स्ट्रक्चर होता है जरा वो तो भी सुन लीजिएगा आपका जो हंड्रेड मार्क्स का पेपर होता है उसे करने के लिए आपको मिलेंगे सवा तीन घंटे मैनुअल पेपर सवा तीन घंटे का होता है पंद्रह मिनट आपको मिलेंगे फॉर रीडिंग टाइम पहले आपको पेपर मिलेगा क्वेश्चन पेपर कॉपी नहीं मिलेगी क्या बोलेंगे पंद्रह मिनट लिखना नहीं है पेंसिल भी हाथ में नहीं होनी चाहिए चुप चाप से क्वेश्चन पेपर को पढ़ते रहो कि सवाल क्या है किस टॉपिक क्या है थोड़ा दिमाग बना लो फिर दोबारा बेल बचती है जो बच्चे बताते हैं कॉपीज डिस्ट्रीब्यूट हो जाती हैं हम आपको तीन घंटे पूरे मिलेंगे पेपर करने के लिए सवा तीन घंटे में पेपर आपने ख़त्म करना है पेपर में दो सेक्शन होते हैं सेक्शन ए और सेक्शन बी सेक्शन ए के अंदर शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं सेक्शन बी में लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं सेक्शन ए में कोई सवाल आठ मार्क्स से कम का नहीं होगा दस मार्क्स से ज्यादा का नहीं होगा सेक्शन बी में कोई सवाल ग्यारह मार्क्स से कम का नहीं होगा ट्वेंटी से ऊपर का नहीं होगा सेक्शन ए में एक सवाल लाजमी वो एमसीक्यू का आता है आठ से दस मार्क्स के एम सी क्यूज आते हैं ये पर टाइम सेव कर देंगे जल्दी जल्दी पढ़ के टिक मारो या नंबर लिख दो बहुत है टाइम बच गया आपका यह आपका पेपर का स्ट्रक्चर होता है कुछ चैप्टर ऐसे हैं वो सेक्शन ए में भी कभी आते हैं कभी बी में भी आते हैं जैसे कैश फ्लो इस बार सेक्शन ए में आया दस मार्क्स का पिछली बार सेक्शन बी में आया था पंद्रह मार्क्स का एन पी ओ पिछली बार सेक्शन बी में आया था अट्ठारह मार्क्स का इस बार सेक्शन ए में आया दस मार्क्स का ठीक है बेटा तो बेटा हमें स्टडी टेक्स को ग्रिप करना है उसमें जो बातें बताई गई हैं वो मैंने अपने लेक्चर के जरिए आपको समझानी है और फिर उसकी प्रैक्टिस करवा समझ में बेटा इंशाल्लाह शायद कल भी क्लास लगाइए आपके साथ यहीं से आगे बातचीत शुरू करते हैं अल्लाह हाफिज